शिवपुरी के रनौद नगर परिषद अध्यक्ष पति जमुना प्रसाद कुशवाहा को पुरानी रंजिश के चलते 16 नवंबर 2022 को बंधक बना लिया। वहीं जंगल में ले गए और 2 लाख रुपए की मांग की और मोबाइल छीन लिया। उक्त घटना के संबंध में जमुना प्रसाद कुशवाहा ने पुलिस थाना रनौद में आरोपियों के विरुद्ध FIR कराई। वहीं मामला पुलिस ने पंजीबद्ध कर लिया। SP से आज मांग की है कि कई कार्यों के चलते बाहर आना जाना पड़ता है, गुंडे बदमाशों से उन्हें खतरा बना हुआ है और असामाजिक तत्व नगर परिषद अध्यक्ष के पति के साथ कभी भी घटना घटित कर सकते हैं, इसलिए जान माल की रक्षा हेतु सुरक्षा गार्ड तैनात किया जाए। मोनू नामदेव, शिवपुरी। क्या नाम है आपका? जमुना प्रसाद कुशवाहा। मेरा अपहरण हो गया था, उसके बारे में मैं गार्ड सुरक्षा गार्ड के लिए आया था। क्या मतलब किसने किया अपहरण? मैं बुरा तिवारी ने मेरा अपहरण किया था और उसके साथ 3 लोग थे अज्ञात, मतलब पूरा ढका चेहरा ढका था और उनने मेरे साथ भोली जी के मंदिर पे जंगल में प्रोती धोखाधड़ी से उसे मुझे ले गए वहाँ पे और मेरा मेरे हाथ बांध दिए थे और मेरे सिर पे कट्टा लगाया और यहाँ पे भी मेरे कट्टे लगाया। क्यों ऐसा क्यों किया? क्या रंजिश है आपकी? चुनाव की रंजिशबाजी के कारण और तो इसके कारण से मेरे पास धोखाधड़ी से ले गए थे और चुनाव की रंजिश के कारण। चुनाव कौन से चुनाव की रंजिश? ये नए अपने नगर परिषद रनौद के पार्षद का चुनाव के लिए। कौन जीता? मैं जीता था रनौद। कौन है आप? मेरे घर से पत्नी राजकुमारी कुशवाहा पार्षद के चुनाव में खड़ी हुई थी, वो जीत गई थी और ये भूरा तिवारी जी हार गया था और 2-3 लोग थे वो सब हार गए। हाजी मेरी वीडियो बनाई थी उनने, बंधक करके मेरी वीडियो बनाई थी उनने, पैसों की मांग करी थी उनने 2 लाख रुपए की। छूटे कैसे आप? छूटा था इसलिए वो उनने मंदिर पे कसम खिलाई थी मुझसे शंकर जी के मंदिर पे, आप पुलिस के पास नहीं जाओगे, आप घर पे नहीं जाओगे और आप किसी से बात नहीं करोगे, 2 लाख 23 तारीख को आप मुझे देना है। डलवाइए ना मेरा 17 तारीख 18 तारीख को मैंने पुलिस में आरोपी फरार है। अभी धमकी वगैरह दे रहा हूँ? धमकी तो अभी तो नहीं आई, धमकी आएगी तो आपको और अवगत करा दूंगा। एसपी साहब ने क्या कहा? एसपी साहब ने उनसे बात हुई तो उनने ये कहा कि हम आपके साथ हैं और हम आपकी मदद करेंगे, जल्दी से जल्दी उसको गिरफ्तार करवा देंगे। कितने दिन तक बंद कर मेरा?